सरदार इम्तियाज अली साहब के आदेश पर हम लोग कल यहाँ पर शैल्य पोषण जो आहार है पंचायत समिति के बाजू में इनका ऑफिस है वहाँ पर हम लोग कल आए थे। हम लोग इनको एक लेटर को बहुत सारे कंप्लेंट्स थे कि मिड डे मील के नाम पर 90% से ज़्यादा जो है तो अनाज और जो भी उनको ब्रेकफास्ट देना है वो सरकारी स्कूल के लोग और कॉन्ट्रैक्टर्स खा जाते हैं। तो वही उसकी डिटेल लेने के लिए हम लोग कल यहाँ पर आए थे। आज देशपांडे साहब ने हमको बहुत कॉपरेट किया, पूरी उसकी डिटेल्स हम तक पहुँचा दी। इंशाल्लाह कल सुबह से मजलिस कॉर्पोरेशन के सारे स्कूलों में रेड मारेगी और हम लोग चेक करेंगे कि मिड डे मील के नाम पर जो बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाना चाहिए या उनको जो ऑफिस है मेरी खादर इम्तियाज अली साहब से गुजारिश के लिए बैठने का भी थोड़ा अच्छा इंतजाम करेंगे। ये रिक्वेस्ट हम इम्तियाज अली साहब से भी करेंगे। देशपांडे सर ने यहाँ पर हमें अच्छा कॉर्पोरेट किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए थे वो सारे प्रोवाइड किए हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर से ये एक बड़ी अदबन गुजारिश करूँगा कि आप लोग मिड डे मील के नाम पर जो गोरख धंधा कर रहे हैं उसको बंद करिए और मिड डे मील के नाम पर जो बच्चों को आहार मिलना चाहिए वो आहार उन तक पहुँचाइए। हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप अपना काम ठीक से करिए, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। मगर अगर कॉर्पोरेशन के स्कूलों के अंदर मिड डे मील के नाम पर आहार नहीं मिल रहा होगा तो कल से आपकी खैर नहीं।